सुदेशना प्रणाम। सुदेशना की 66वीं पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो दिए जलाओगे या घर जलाओगे। सकारात्मक संकल्प आपके जीवन को सृजनशील बनाते हैं और नकारात्मक संकल्प आपके जीवन को विध्वंस की ओर, पतन की ओर ले जाते हैं। मित्रों, रेडियो में सब स्टेशन उपलब्ध हैं। जो स्टेशन हमें पकड़ना हो उस पर कांटे को ले जाना ज़रूरी होता है। सवाल महज प्रॉपर ट्यूनिंग का है। रेडियो में जिस स्टेशन को ट्यून कर दो उसी को पकड़ लेता है और शुरू हो जाते हैं उसके प्रसारण, गीत संगीत, समाचार विचार आदि इत्यादि। हम जिस रेडियो चैनल पर कांटा सेट करते हैं वहीं संलग्न हो जाते हैं। अगले ही क्षण हम कांटा इधर से उधर करने स्वतंत्र होते हैं। ठीक इसी तरह हम मनुष्य भी रेडियो जैसे ही हैं। हमारे भीतर सारे चैनल मौजूद हैं, असीम संभावनाओं से ओतप्रोत हैं हम सब। दरअसल जिस संभावना की ओर हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस प्रवाहित हो जाए वही हकीकत बन जाती है। जिस तरह रेडियो का कांटा बदलने में एक क्षण मात्र लगता है, ठीक वैसे ही परिवर्तन के लिए भी महज एक क्षण यथेष्ट है। निमिष मात्र में हम मनुष्य अपनी जीवन धारा को सर्वथा नवीन दिशा की ओर उन्मुख करने में समर्थ हैं। जैसे दुनिया जहान की ध्वनि तरंगें रेडियो सेट के समीप से हर वक्त गुजरती रहती हैं, हम जिस चैनल की ट्यूनिंग करते हैं उसी से जुड़ जाते हैं। वैसे ही हम अपने जीवन को भी अखिल ब्रह्मांड में विकीर्ण किसी भी चेतना के साथ जोड़कर अपने जीवन को प्रतिध्वनित कर सकते हैं। सवाल सिर्फ हमारे चुनाव का है, हमारे संकल्प मात्र का है। हमारे समक्ष सारे विकल्प उपलब्ध हैं। चाहे तो निम्न जीवन जीते रहें, चाहे मध्यम या फिर उत्तम सर्वोत्तम। साफ हुआ कि हम मनुष्य जिस दिशा में चाहें गति प्रगति करने पूर्ण स्वतंत्र हैं। इसलिए हमें किसी और को दोष देने का बिल्कुल भी हक नहीं है। वस्तुतः सब हम पर निर्भर है। हम किस तरह का व्यक्तित्व विकसित करने की दिशा में प्रवृत्त होते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, यही संकल्प हमारा निर्माण करता है। हम जिस दिशा में बढ़ने के लिए खुद को खुला छोड़ते हैं वही दिशा हमारे जीवन का सत्य बन जाती है। जो लोग अपने चित्त का सरगम सत्य, शिव, सुंदर की तरफ बैठाते हैं वे इस दुनिया में नामवर हो जाते हैं। सुदेशना यही है कि हम जो भी निर्माण करते हैं वह हमें भी निर्मित करता है। निर्माता अपनी निर्मिति से मुक्त नहीं हो सकता। एक सुंदर कविता जब जन्म लेती है तो उसके साथ एक सुंदर कवि का भी जन्म होता है। कवि में उसकी कविता की सुगंध होती है। छेड़ दो तार, गीत उभर जाएगा, वीणा के तार यूं हमने मिलाए हैं। सुदेशना का सनातन संदेश यही है कि सारी पृथ्वी हमारा घर है और समस्त जीवन हमारा परिवार। आप सदा शुभ को, शिव को, सुंदर को खोजें। सब जगह सब लोगों में सुंदर का ही वास है, बस उसे देखने वाली दृष्टि भर चाहिए। वस्तुतः जो हम देखते हैं वही हम हो जाते हैं। शुभ तो शुभ, अशुभ तो अशुभ, चुनाव हमारे हाथ में है। बंधनों में जकड़ी हुई और घुटी हुई जिंदगी एक छोटी सी मंदगामी धारा के समान होती है, जबकि उन्मुक्त होने पर वही अनंत सागर का रूप धारण कर लेती है। आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति सः पंडितः। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चा विश्व बंधुत्व। सनातनता की इसी अवधारणा पर आधृत है अविरल सुदेशना। आप अपने जीवन में सकारात्मकता का अवगाहन करके अपने व्यक्तित्व का अद्भुत निर्माण करें, उत्तम सर्वोत्तम जीवन जिएं, इसी शुभकामना और आह्वान के साथ सुदेशना की 66वीं पाठशाला को देते हैं विराम। किंतु सुदेशना है अविराम।
अगली 67 पाठशाला में एक बार फिर हम आपके समक्ष होंगे। तब तक आप रखिए अपना ध्यान। ओम आनंदम सफलम भवतु, सुदेशना प्रणाम, सुदेशना प्रणाम। ओम आनंदम आनंदम आनंद।